17 मार्च को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सदन में अपना पहला बजट पेश किया। वहीं इस बजट को लेकर लगातार राजनीतिक दलों के नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के बजट को लेकर युवा कांग्रेस बिलासपुर के पदाधिकारियों ने भी जमकर सराहना करते हुए इसे ऐतिहासिक बजट करार दिया है। सर्किट हाउस बिलासपुर में प्रेस वार्ता के दौरान युवा कांग्रेस बिलासपुर के जिला अध्यक्ष आशीष ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के इस बजट में हर वर्ग का खास ख्याल रखा गया है। हिमाचल प्रदेश के लोग मुख्यमंत्री जी ने अपने बजट में हर एक वर्ग का ख्याल रखा है। पुरानी पेंशन बहाल हो गई है, महिलाओं को 1500 रुपए हर महीने उनके खाते में आने शुरू हो जाएंगे। 30,000 सरकारी क्षेत्र में रोजगार हिमाचल प्रदेश की सरकार के द्वारा मुहैया करवाया जा रहा है। 90,000 अप्रत्यक्ष रोजगार युवाओं को सरकार के द्वारा मुहैया करवाए जा रहे हैं। छोटे व्यापारियों को 50,000 तक का ऋण 50% सब्सिडी के ऊपर मुहैया कराया जा रहा है। मुख्यमंत्री जी की सोच देखिए, उन्होंने निर्णय लिया है कि 31 मार्च 2026 तक हिमाचल प्रदेश को ग्रीन एनर्जी स्टेट बनाया जाएगा। उसके लिए उन्होंने जो हमारे युवा साथी हैं उनके लिए, अगर वो ई टैक्सी लेना चाहते हैं, ई ट्रक्स परचेज करना चाहते हैं ताकि उनका रोजगार का साधन शुरू हो, उसके लिए 50% तक की सब्सिडी हिमाचल प्रदेश की सरकार के द्वारा दी जाएगी। युवा कांग्रेस की तरफ से हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने इतना ऐतिहासिक बजट हिमाचल प्रदेश की जनता को दिया।